अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़। ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ में आप देखेंगे गुल अहमद के सूट्स और मारिया बी के, सना सफीनास के। तो बेसिकली इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ स्टिचिंग आइडियाज़, ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़, ठीक है। तो आप लोगों ने नुमानस ब्लॉग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। और ये सूट्स जो हैं, जो भी ये सारे स्टिच हो गए हैं, ये जब अनस्टिच थे, तो इसकी शॉपिंग हॉल वीडियो हम शेयर करते हैं ब्लॉग्स फॉर ऑल चैनल पर। तो आपने ब्लॉग्स वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। बहुत ही खूबसूरत हैं सारे के सारे सूट्स। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि हमने वर्ल्ड वाइड शिपिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अगर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अनस्टिच में आपने बाय करना है तो आप ब्लॉग्स वाले चैनल पर कॉन्टैक्ट करें। और स्टिचिंग आइडियाज़ के लिए आप नुमानस ब्लॉग चैनल को देख सकते हैं, तो आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। पिन कॉमेंट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और आप लोगों की आसानी के लिए हमने फेसबुक पेज भी बनाया है, जिनका इंस्टाग्राम नहीं है, और इंस्टाग्राम भी बनाया। हर जगह पे हमें फॉलो कर लें, लाइक शेयर कर लें, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारी हर जगह पे, मतलब अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है, अब आप नेक्स्ट सूट देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। पहले मैं इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगा। और ये दुपट्टे की डिजाइनिंग भी आप देख लें, तो ये इनके कॉर्नर्स पर जो है ये अटैच करवाया है कि ये बहुत ही साथ ही सारा कुछ मिला था। ये साथ ही मिला था। ये गुल अहमद का है सूट, समर कलेक्शन में से। और ये इसके आपने ये देख लिया पहले, मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा है, मैं इसको जरा अच्छे से दिखाना चाह रही हूँ। ये उन्होंने साथ ही दिया, ये चारों कोनों में, हाँ, फोर कॉर्नर्स में, यू कैन सी गाइस। और ये दुपट्टा जो है ये नेट का है, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए साइडों पर, ये इधर से ये दिखाएंगे। और ये साइड्स पे ये क्या हमने टच दिया है इसका? हमने नहीं दिया हुआ ये। अच्छा, ये है ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर था, मतलब ये कटवर्क यहाँ पर हुआ पड़ा है। और ये हमने ये जो इसके एंड है ना, वहाँ पर ये टसल्स लगवाए हैं ये पाइपिंग के साथ, ठीक हो गया। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत साइज का दुपट्टा है जो आपने देख लिया। अब हम आते हैं इसकी शर्ट की तरफ। हाँ वाओ, ये इसकी नेक लाइन की डिजाइनिंग, और यहाँ पे क्यूट सी एक्सेसरीज अटैच की है हमने। और ये भी थ्री बटन्स उन्होंने ही दिए थे, गुल अहमद वालों ने। तो ये गुल अहमद वाले देखो बहुत सखी हैं सारा कुछ साथ दे देते हैं, आपको टेंशन नहीं, आप उसको जस्ट स्टिच करवाएं। और ये थोड़ा सा हमने ए लाइन वाला टच दिया है इसको, हाँ, इसको। और इसकी ये देखिए, यहाँ तक हमने ये पाइपिंग का टच दी है। पाइपिंग देख रहे हैं आप, ऊपर से लेकर फुल नीचे तक, यहाँ तक ये चीज बहुत अच्छी स्टाइलिश लग रही है, डिफरेंट लग रही है। और ये नीचे हमने ये इसके साथ उन्होंने पैच दिया हुआ था, और ये हमने मशीनी कढ़ाई वालों से अटैच करवाया है। ये इसके बिल्कुल ये कट, ये जो है ना ये राउंड में, ठीक हो गया। तो इस तरह के पैचेस, कटां पंजाबी से कटां बनाए हुए ने चले जी, इस तरह के जो ये पैचेस वगैरह जो हैं, ये मतलब हम लोग जो है मशीनी कढ़ाई से अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट थी, आपको दिख रहा होगा। तो मोम क्या ये हमने सेल से ली थी? हाँ, क्या ये हमें मिल जाएगी अगर कोई और हमारे लेना चाहे? पता करना पड़ेगा। और इसकी स्लीव्स पर देखो ना, यही हमने टच इसकी स्लीव्स पर दिया, जैसे दुपट्टे पे है और जैसे ये नीचे है, ये लेस के साथ हमें इसके साथ, और यहाँ पर भी ये कट कट कट। और यहाँ पर आप ट्राउजर पर आ जाए, और इसका ट्राउजर हमने जो बनवाया है ये देखें, ये साइड पर हमने इसकी जिप लगवाई है, ये देखें, इससे बड़ी अच्छी सी फिटिंग आती है। ये हुक लगवाया, जिप लगवाई है यहाँ पर साइड पर, और ये इसके कटा बनाए, ठीक है, ठीक है। अब आप इस पूरे सूट की फुल लुक दिखाते हैं, थोड़ा सा दूर से खूबसूरत दुपट्टा। मुझे जो इसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा, एक तो मुझे ये अच्छा लगा कि नेक लाइन जो फुल हम नीचे तक लेके गए हैं ना, टच वो टच बहुत अच्छा लगा है। और दूसरा मुझे इसका दुपट्टा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा, और ये टच भी अच्छा लगा है जो आप हर किसी के अंदर कर सकते हैं, कोई भी आपने सूट लिया। तो ये नीचे से जो ये दामन है, मतलब आप देख रहे हैं यूं सर्कल्स में इन दिस वे, ये चीज़ आ गई। स्लीव्स पे भी इसी तरह से हो गया, ठीक है। ट्राउजर पे भी यही वाला टच दिया है, तो ये सर्कल्स वाला, तो ये आप भी बनवा सकते हैं किसी भी उस पर। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह कि नुमानस ब्लॉग चैनल पर आप स्टिचिंग आइडियाज़ देखते हैं, तो जिन लोगों को स्टिचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी हमने आपके लिए सॉल्व कर दी है। और पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने अगर अभी तक व्लॉग्स फॉर ऑल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं हूँ मामा की बेटी किंजा, तो मेरा चैनल है व्लॉग्स फॉर ऑल, वो भी आपने लाजमी वॉच करना है। वहाँ पर आपको
ये जो ड्रेसेस स्टिच हो गए हैं, स्टिच हो गए मम्मा के चैनल पे मिलते हैं, जब ये अनस्टिच होते हैं तो आउटलेट विजिट की वीडियो और शॉपिंग हॉल वीडियोस आपको मिलती हैं ब्लॉग स्टाइल चैनल पे, तो वहाँ से आप अपना ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं अगर आपको शॉपिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और जिनको स्टिचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सूट की जानेब के साथ, जिसकी स्टिचिंग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है मारिया बी का। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। अब इसकी आप देखिए हमने इसको किस तरह स्टिच करवाया है, क्लोज करें। ये तो पहले तो ये बताना चाहती हूँ आपको कि मारिया बी D5 इसकी अनबॉक्सिंग हमने ब्लॉग्स फॉर ऑल चैनल पे की थी, आपको दिखाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये स्टिच हो गया है। बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर में डिसेंट एंड ग्रेसफुल, और बहुत प्यारे प्यारे इसके साथ पैचेज हैं। दुपट्टा इसका पिंक कलर का है, बहुत खूबसूरत वाइट के साथ जो इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है। और हमने ये देखे ना इसकी स्लीव्स, हमने इसके नीचे फुल लाइनिंग लगवाई है, मतलब ये था और गिंजा था, बारीक था इसमें, मतलब सी थ्रू था, तो हम चाह रहे थे कि यहाँ से मतलब ना हो, नजर ना आए, हम लोग ये चाह रहे थे, तो इस वजह से हमने नीचे भी इसकी लाइनिंग अटैच करवाई है, लाइनिंग लगवाई है हमने। और इसकी नेक लाइन देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, प्यारी लग रही है, ये देखिए इसकी नेक लाइन फ्लैश ऑन है, और इस वजह से ये देखिए ये चमक भी रहे हैं। और इसके साथ दुपट्टा जो है वो ट्राउजर देखिए आप, चलें ट्राउजर देख लेते हैं। ट्राउजर को भी हमने इसके साथ जो पैच था इसको हमने ऊपर रख के करवाया स्टिच, ठीक है। ये हमने इसलिए किया है कि जो आइडिया भी आपको ये मिल जाए, जो लोग हिजाब करते हैं ऑफ कोर्स वो लोग नहीं चाहेंगे कि उनकी लेग्स या आर्म्स नजर आए, ठीक है, तो उनके लिए ये आइडिया है कि आप किस तरीके से इस तरह के सूट को स्टिच करवा सकते हैं, आप नीचे लाइनिंग अटैच कर लें, फुल लाइनिंग, ये फुल लाइनिंग पैच हमने ऊपर अटैच करवाया है, मतलब जिस तरह से ट्राउजर का कपड़ा है उसके ऊपर ही आपने पैच अटैच कर लेना है। सिमिलरली स्लीव को फुल सिलवाया हमने और उसके ऊपर पैच अटैच कर लिया। नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट आई थिंक। और ये इसका दुपट्टा, ये दुपट्टा है पीछे से पिंक कलर में, देखें कलर इसके, और ये इसके साथ जो उन्होंने लेस दी हुई थी ये हमने दुपट्टे पे सारी अटैच करवा दी। नाइस, ठीक है जी, तो ये था मारिया बी का D5 जो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिच हो चुका है जो ओके। और अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, और एक बार मैं आपको इसका फुल व्यू भी दिखा दूं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत ये ट्राउजर दुपट्टा, और ये आप लोग बाय भी कर सकते हैं क्योंकि ये न्यू कलेक्शन में से है, और अगर आप ये सूट बाय करना चाहते हैं तो आप ब्लॉग्स फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक पेज मिल जाएगा, एंड यू मस्ट लाइक ओवर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, और ये जो एक ब्यूटीफुल सा आप एक और सूट देख रहे हैं, पहले तो आप इसकी फुल लुक देखें, फिर आपको समझाते हैं स्लीव डिज़ाइनिंग, और उसके अलावा जो एक और खूबसूरत सी चीज़ है वो ये कि इसका कलरफुल सा ट्राउजर शलवार है, ओके बनवाई, और ये बहुत ही प्यारा सा इसका दुपट्टा है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, और ये सारा सफीनास का है, और ये देखें ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, नेक लाइन पे सारी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये इतनी खूबसूरत इसकी एम्ब्रॉयडरी थी, यहाँ पर मैंने इसके लिए कोई बटन शटन अटैच नहीं किए बिल्कुल। और स्लीव्स की जानिब आए तो स्लीव पर थोड़ी सी हमने इसकी डिजाइनिंग करवा ली, ये देखिए ये आजकल इस तरह की भी बहुत चीजें चल रही हैं, ये इसको थोड़ा सा ओपन करें ना ताकि ये नजर आए कि पीछे वाले सर्कल्स अलग हैं, जब आप वेयर करेंगे तो कैसा लगेगा इन दिस पे, ये देखिए दरमियान में जो है वो है शलवार का कपड़ा, अच्छा, और ये वाला ये शलवार के कपड़े का पीस है, और ये जो प्लेन है ये थोड़ा सा हमने अलग से बाय करके, तो क्रिएटिव आइडिया, तो ये देखिए कलरफुल सा ये आपको जो लग रहा है, तो ये हमने ये ट्रिक इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो ये इसकी मुझे स्लीव्स की डिजाइनिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, सो आई थॉट मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताइएगा। आप कोई भी सूट कर रहे हैं तो उसमें अगर दो कलर्स हैं तो आप कलर्स के हिसाब से ये मैचिंग करके ये रिंग्स बनवाएं, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। और मुझे इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगा, शिफॉन में है, बहुत ही खूबसूरत, और ग्लिटर आपको इसके अंदर नजर आ रहा होगा, और ये शलवार हमने स्टिच कराई है,
इसकी जो डिज़ाइनिंग इस तरह थी, इसका ट्राउज़र नहीं अच्छा लगना था, इसकी शलवार ही खूबसूरत बनी हुई है। और ये देखें जब ऐसे ये आ रही है ना, ये लाइनिंग आ रही है तिरछी, क्या कहते हैं इसको, तिरछी हाँ तिरछी लाइन है और पता नहीं क्या कहना है तो ये जो है ना इस ये शलवार में ही खूबसूरत ज्यादा आ रहा है। अगर हम ट्राउजर बनाते ना तो इस तरह सीधा सा इतना प्यारा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत, मुझे तो ये ड्रेस बहुत प्यार लगा है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है जी, इसकी फुल लुक भी दिखा दूँ आपको अब एक बार, ये देखिए ठीक है जी।